सहीम हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद जनाब ये महफिल है ये नूर की महफिल है ये हुजूर पुर नूर की आमद की महफिल है ये हुजूर पुर नूर की आमद की मरहबा कहने की महफिल है JDC के जेर इंतजाम है जेर जनाब बाजार में जनाब जेडीसी के तहत जश्न मिलाद उन नबी यहाँ और जहाँ हेड है सर ये बहुत बड़ी शान है एक शान शान ये प्रोग्राम आप कब से ये करवा रहे हैं 2012 जब शनि कोई इशू बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था रोजाना टारगेट उस दौर में हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने आज की पहचान बड़े बड़ी इस प्रोग्राम से लोग माशाल्लाह इसमें ये कब तक जारी रहता है और क्या क्या कौन कौन शिरकत करता है तफरीक मजहब इंसान मुसलमान हिंदू सब सब इसमें शरीक होते हैं जारी रहता है इसमें शिया हिंदू क्रिश्चियन सिख सब कम्युनिटी सब मसाले उलमा पेशवा अवाम शरीक होती है क्योंकि मोहसिन इंसानियत है तो मोहसिन इंसानियत को जो है ना खराजी हकीकत पेश करने के लिए और पुर नूर और सब मिल के एक साथ जज़ाकअल्लाह बहुत नवाज रिसालत के परवाने आसमान मुस्तफा का हुजूम है आमद जारी है एक और आशिक मुस्तफा हमारे साथ है जनाब आप कब से आ रही है माशाल्लाह हम अजीम मौके पर तमाम आलम इस्लाम मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि आलम इंसानियत को आलम इस्लाम को जब परवरदिगार आलम निशा फरमाता है हबीब हमने तुझे नहीं भेजा आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा ये हर जमाने के दौर के हर जमाने के लोगों के लिए रहमत है ये और बात है अगर कोई बदबخت आदमी इस दर से इस्तेफादा नहीं कर सकता है वरना ये दर हर शख्स के लिए हर इंसान के लिए एक मोहब्बत और अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाला दर है लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मौके पर हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत और किरदार के ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है और नात के दो बंद आपके महफिल को महबूब महबूब की महफिल आमद का सिलसिला जारी है और ये हुजूर पुर नूर की आमद को मरहबा कहने के लिए ये आए हैं एक और नौजवान एक और आशिक के रसूल हमारे साथ मौजूद हैं इनसे पूछते हैं इनके जज्बात का इजहार आप आए हैं इस महफिल में और कब से आए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे तमाम मोमिनीन मोमिनात शरीक है इस जश्न में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्योंकि हर मोमिन का और हर मुसलमान का ये अकीदा है और अल्लामा इकबाल ने अपने अशआर के ज़रिए ये फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तू तो हम तेरे हैं
یہ جہاں چیز سے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور یہ محسن انسانیت کا جشن ہے, تو اس کا مطلب ہے انسان آ رہے ہیں بلا تخصیص مذہب و مسلک. یہاں پہ سکھ عیسائی بھی میں نے جی 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 ہم نے بھی ابھی دیکھ لیا, یہاں پہ کوئی کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے یہ جشن. یہ ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, مسلمان, شیعہ, سنی, سب تمام کے تمام آتے ہیں. چونکہ یہ کسی ایک مخصوص فرقے کا یا ایک رہبر کا نہیں ہے, بلکہ یہ محسن انسانیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کے لیے یہ اس تقریب کو منعقد کیا گیا ہے, تو اس میں کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. انسانیت ہے تو تمام انسانیت آئی ہوئی ہے. زبردست زبردست. اور آپ بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی اچھا سا شعر سنا دیں, کوئی اچھا سی یاد کا ایک بول سنا دیں. تو جناب یہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ نمائش چورنگی پہ, محفل جاری ہے, ذکر مصطفیٰ جاری ہے. یہاں پہ مصطفیٰ کے دیوانے, مصطفیٰ کے پروانے, شمع نبوت کے پروانے دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اس محفل میں. جوان بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. بس